इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर, 19 कंपनीज के ऊपर, 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, फिर आजाद हम उनके नौकर नहीं हुए। तो फिर 1947 में हमने इतनी जाने दी, इतने लोगों की कुर्बानियां दी, वो क्यों दी कि जब फिर हमने आज 2024 में फिर यही कहना कि हम अमेरिका के नौकर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? क्या हाल है? कैसे ठीक है? मैं भी फिट फाट। मुझे बताइए, इधर भाईजान मौजूद है, बड़े जज्बाती, इधर आइए। भी कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया पाकिस्तान में, अमेरिका ने किया, जो किया इंडिया ने किया। मुझे बताइए, इनके 22 बच्चे हैं, ये भी अमेरिका की वजह से हुए हैं या अमेरिका ने आके बोला है? काम क्या करते हैं? मैं कुछ यही है ना, फिर यही काम करते हैं, काम यही होगा ना। ठीक है, चले मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक मिनट, मैं टॉपिक की तरफ। मुझे ये बताएं, क्या वजह पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आ जाता है अमेरिका के? अगर इंडिया की बात करें, वो जिससे दिल करता है रशिया से दिल करता है रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना से दिल करता है चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आते, ना उनकी कंपनीज ना उनके लोग। पाकिस्तान क्यों आ जाता है? हम भी तो आजाद कंट्री है पाकिस्तान। नहीं, पहली बात ये, मैं आपकी बात पे बात करूंगा। आपको आजाद किसने बोला? नहीं तो 1947 में हम सब आजाद हैं। 1947 से लेकर आज तक भी हम फैसलों पे करते हैं भाई। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, हम ये काम करने लगे हैं, फिर हम ये काम करते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, क्या वजह क्या है? हमने मतलब किस वजह से हम डरते हैं? दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं उनसे मतलब डर रहे? खास तौर पे अगर हम अपने डरते हम नहीं है किसी से भी। अच्छा, ये जो ला इला इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं ये कभी किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो फिर डरते नहीं है हम किसी से भी। हमारा टॉपिक सिर्फ यही होता है यार, कोई हमारा उधर तल्लक भेजा, आप खुद ही समझ जाए। ठीक है, हमारा उधर तल्लक है तो हम चाहते हैं वो खराब ना हो जाए यार। नहीं, ये तो अच्छी बात है, तल्लुक किसी कंट्री से भी खराब नहीं होना चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन सिर्फ अमेरिका के साथ यार? अच्छा, उधर नहीं खराब होना चाहिए? अच्छा, यानी ये हमारी पॉलिसी है? नहीं, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बात है उधर कोई अमेरिका, कोई रशिया, कोई चाइना नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। सुपर हिट ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। काफिर के साथ दोस्ताना? अच्छा, ये कह रहे हैं अमेरिका को मैं खत्म कर दूंगा, इतनी पावर है ये? शुक्र है, हमारे लीडर नहीं खत्म कर सके, आप कैसे करेंगे? हम मेरे साथ बात सुनो। हाँ। अभी मैं 50 गाड़ी तोड़ सकता हूँ, जिहाद करेगा ना? अच्छा, ऐसे और भी कट हो गया, कितना लोग आ गया हमारे पास, एक आ जाते हैं शेर पाकिस्तान। मैं सलाम करता हूँ इनके जोश को, लेकिन इस जोश का क्या फायदा? ये देखे, अच्छा आप अभी इधर 10 नारे लगाएं, 20 नारे लगाएं, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान का पैदा ये जैसे बच्चे उठेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सारे ने कलमा पढ़ा। मतलब क्या जी? मुसलमान है, एक मुसलमान का ताकत 200 काफिर को मुर्दार करना है। मुझे बताएं थोड़ा सा क्या वजह है? हमें आपको नहीं लगता है एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस? यार नहीं, सॉरी, ये गलत है, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी। अच्छा, पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत है, लेकिन जो भी यहाँ पे पढ़ लिख लेता है ना उसका यही जेन होता है, बच्चे पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, चलो अब अपनी बाहर की तैयारी करो। क्योंकि पता है पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम जॉब करेंगे भी कहीं पे जाके तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, या हमें मतलब कि प्रॉपरली हम पाकिस्तान में कुछ जॉब नहीं कर सकते, और अगर हम कर लेंगे तो ऊपर वाला तबका हमें हराम खाने पे मजबूर कर देगा। तो वो जो भी एजुकेशन करता है ना तो वो अब ये चाहता है कि यार मैं हराम ना खाऊं, हलाल की खाऊं, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। विदाउट कंट्रियों में हमें इज्जत मिलती है, जॉब मिलती है, अच्छा देखे खान पीन है, वहाँ आपको एक चीज बताता हूँ, मैं विदाउट कंट्री में आप चले जाए ना तो आपको ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, खालिस दूध, खालिस दही, खालिस घी, क्योंकि उनको पता है हमने बेचने ही खाली से, बताने का क्या फायदा? जरूरत नहीं है बताने का, यहाँ पे नहीं आपको ये चीजें मिलेगी। यहाँ पे आपको ये चीजें मिलेगी, आप दुकान पे चले जाते हो ना, उसको पूछते हैं दूध क्या रेट है, वो कहते हैं जी 120 रुपए किलो। हाँ। वो कहते हैं नहीं यार अच्छे वाला 160 रुपए किलो, वो कहता है उससे अच्छे वाला, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 200 रुपए किलो, और मेरी माँ की कसम खाता हूँ 220 रुपए किलो वाला अच्छे वाला। ये तो लानत हुई पड़ी है ना इस साल, मतलब ये सिचुएशन। और फिर हम अब मजहब को भी कारोबार में ले आते हैं, कसम उठाते हैं, चीज बेचते हैं और ये सब चीजें करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।